नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और लाइव सीरीज के इस रोड शो में हम आपको वो पूरा ट्रैक दिखलाएंगे जिस पर राहुल गांधी चलने वाले हैं। पटना में राहुल गांधी का रोड शो है और बाई ओर आप वो ट्रक देखिए जिससे राहुल गांधी ये रोड शो स्टार्ट करने वाले हैं। और इस रोड शो से पहले इस पूरे ट्रैक पर लेकर जाएंगे आपको हम। कैमरे के पीछे विकास है, मेरे पीछे शशांक, मेरी मदद कर रहे हैं माइक पकड़ने में, और सुजीत सागर विकास के पीछे। ये रोड शो शुरू होता है, दाहिनी ओर मोन्यूल हक स्टेडियम है जिससे राहुल गांधी का ये रोड शो शुरू होने वाला है। और यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, मीडिया के कैमरे तैयार हैं और हम इस रोड शो पर निकल चुके हैं। आपको वो हर जगह दिखाएंगे, वो हर लोकेशन दिखाएंगे जहाँ से ये रोड शो होकर गुजरने वाला है। ट्रैक लंबा है, अमित शाह के कंपैरिजन में ये ट्रैक जो है वो 3 गुना लंबा है। और बाई ओर आप देखेंगे कि अब कार्यकर्ता जो है वो झंडा लेकर खड़े हैं और राहुल गांधी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आह्वान के लिए हाथ में झंडा लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ढोल और बाजों की का भी इंतज़ाम कराया गया है। ये लोकेशन है एनसीसी के ऑफिस का। आगे कुछ आगे बढ़ेंगे जब आप मोन्यूल हक स्टेडियम से तो ये लोकेशन आएगा। इससे हम और आगे चल रहे हैं, बाईं ओर मुड़कर ये रोड शो आगे बढ़ रहा होगा। इसमें जो ट्रक आपने पहले देखा उस पर सवार होंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी शत्रुघ्न सिन्हा, यानी कि राहुल गांधी के इस रोड शो में महागठबंधन के तमाम बड़े नेता आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम अब थोड़ी तेज़ी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये ट्रैक जो है वो काफ़ी लंबा है, रोड शो के लिहाज से काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि जो समर्थक हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं। आप देखिए मेरे बगल में कि रिक्शों पर भी ये कांग्रेस के जो पंजे के निशान हैं वो लगा दिए गए हैं। आगे सड़कों के किनारे दोनों ही ओर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो पंजा छाप है उसके बैनर्स लगाए हैं। बीच बीच में आप आरजेडी के भी पोस्टर्स को देखेंगे। ट्रैक लंबा है तो हम आपको ये पूरा ट्रैक दिखला रहे हैं। बाई ओर देखिए बच्चे भी हाथ में कांग्रेस के झंडे लिए समर्थकों के साथ खड़े हैं और हर ओर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे हैं। समर्थक जो है वो सड़कों पर है। ट्रैफिक रूट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं तो कुछ ही देर के बाद ये जो सड़क है वो रोक दिया जाएगा, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी की सिक्योरिटी रीजंस भी है जिस कारण से पुलिस बल की तैनाती आप ज़्यादा देख रहे होंगे। SPG के कमांडोज भी जो है वो राहुल गांधी की रथ के इर्द गिर्द रहेंगे। आगे भी पूरे ट्रैक पर सुरक्षा के चाक चौबंद जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। बाई ओर अब एक और नज़ारा आपको दिखेगा जिसमें आप बच्चों को देख रहे हैं कांग्रेस की टोपी लगाए सर पर और खड़े हैं राहुल गांधी के रोड शो से पहले। उनके इंतज़ार में कुछ नेता भी हैं जो यहाँ पर हाथ में कांग्रेस के झंडे लिए तैनात हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, देखिए कि जो सीनियर नेतृत्व है वो भी लोगों से मिलकर उनका आह्वान स्वीकार कर रहा है, मिल रहा है। और अब हम ये दिनकर गोलंबर पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर राहुल गांधी JP के मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। ये भाई और देखिए आप मेरे बैंड का पूरा इंतजाम है, ढोल बज रहा है। और हम अब दिनकर गोलंबर पर पहुंच गए हैं जहां पर राहुल गांधी दिनकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद फिर ये रोड शो आगे बढ़ेगा। यहां पर भी आप पुलिस बल की खास तैनाती देखेंगे, समर्थकों की भीड़ को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर रुक कर राहुल गांधी दिनकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले हैं और जो समर्थक हैं वो हाथ में झंडे लिए राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं। फूल माला सबका प्रबंध किया गया है। अब हम दिनकर गोलंबर से आगे बढ़ रहे हैं नाला रोड की ओर। नाला रोड में तैयारी है राहुल गांधी के रोड शो की। नाला रोड में ही शत्रुघ्न सिन्हा का घर भी है, उसके आगे भी हम आपको वो नज़ारा दिखलाएंगे। और अब हम नाला रोड जो अक्सर थोड़ा सा क्राउडेड रहता है उससे होकर गुजर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्ट होने से आज भीड़ थोड़ी कम है मगर फिर भी आप नाला रोड में देखेंगे कि अमूमन तौर पर भीड़ अधिक रहती है। आगे अगर हम बढ़ें तो इस नाला रोड पर ट्रैफिक जो है वो इस लगभग इसी तरह रहता है, आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा रहता है। आज राहुल गांधी की रैली को लेकर तैयारियां हैं। ट्रैक जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि बहुत लंबा है इस बार और भीड़ के भी इंतज़ाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लोग देखने के लिए राहुल गांधी को सड़कों पर आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ ही देर में यह रोड शो
शुरू होने वाला है और यह पूरा नज़ारा आपको दिखला रहे हैं हम। अब हम नाला रोड से होकर गुजर रहे हैं, दोनों ही ओर तैयारियां हैं। अभी कुछ देर पहले ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी अनाउंसमेंट किए जा रहे थे। रोड शो गाड़ी की खुली छत पर राहुल गांधी खड़े होंगे तो ऊपर जो तार वगैरह लगे हैं उसे भी हटाया जा रहा है कि रोड शो में कोई बाधा ना आए। अक्सर ऐसा होता है शहरों में कि जो बिजली के तार और अन्य तार हैं वो नेताओं के लिए एक बाधा बन जाते हैं जब वो खुली छत की गाड़ी पर रोड शो कर रहे होते हैं। यहाँ दाहिनी ओर आप कांग्रेस के कुछ और समर्थकों को देखेंगे और हर रोड जो पोस्टर्स हैं कांग्रेस के हाथ छाप वाले वो लगा दिए गए हैं। राहुल गांधी के इंतज़ार में पटना का माहौल जो है वो तैयार हो रहा है और लोग सड़कों पर अब आने लगे हैं। सर पर कांग्रेस की टोपी है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। आप देखिए कि मेरी दाई और एक पुलिस के जो जवान है वो भी चल रहे हैं। इनका भी जो फ्लैग मार्च है वो लगातार चलता रहेगा क्योंकि रोड शो है। ये वो जगह है जहाँ से अमित शाह का रोड शो होकर गुजरा था। यहाँ से ये रैली बाएं की ओर मुड़ेगी। अगर आप दाहिने जाएं तो आपको गांधी मैदान मिलेगा। हम बाई मुड़ गए हैं, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन एक बार फिर से आपको दिखला रहे हैं। पिछली बार हमने ये जगह आपको तब दिखलाई थी जब यहाँ से अमित शाह का रोड शो गुजरा था। अब यहाँ से राहुल गांधी का रोड शो गुजरने वाला है ठीक उसी जगह से जहाँ से अमित शाह का रोड शो गुजरा था। पीछे शत्रुघ्न सिन्हा का मकान भी है, उनसे जुड़े रिपोर्ट हमने आपको दिखलाए थे। और अमित शाह की रैली के जवाब में अब सुजीत सागर और विकास के साथ राहुल गांधी के रोड शो की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखलाई। हर ओर आप देख सकते हैं कि रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी जगह से अमित शाह का रोड शो स्टार्ट हुआ था और ठीक इसी जगह पर आकर राहुल गांधी का जो रोड शो है वो ख़त्म होगा। रोड शो के बदले रोड शो और रैली का जो पूरा नज़ारा है वो हमने आपको दिखाया है इस रोड शो में। जहाँ जहाँ से होकर ये रोड शो गुजरेगा वो तमाम जगह हमने आपको दिखलाई। अब हम बुद्ध मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ इस रोड शो का आखिरी पॉइंट है। ये जो सेंट सेवरिन स्कूल था जहाँ से राहुल गांधी अमित शाह का रोड शो निकला था वहीं पर अब राहुल गांधी का रोड शो आकर ख़त्म होगा। आपके पीछे आप देखेंगे कि बुद्ध मूर्ति है, यही वो लोकेशन है जहाँ पर राहुल गांधी का रोड शो ख़त्म होने वाला है। रोड शो से पहले की रोड शो लाइव सीरीज़ के साथ हमने आपको दिखलाई। अब हम आपको कुछ ही देर में राहुल गांधी के रोड शो की हर तस्वीर दिखलाएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी जो पूरी टीम है, देवांशु प्रभात, आलोक, सुजीत सागर, विकास और मैं, वो इस रोड शो की कवरेज के लिए तैयार हैं। आपको नज़ारा हमने दिखलाया और अब अंत का जो स्थान है, मेरे पीछे बुद्ध मूर्ति है, मेरा सहयोग कर रहे थे शशांक, कैमरे के पीछे विकास हैं, उनकी बाइक सुजीत चला रहे हैं। तो लाइव सीरीज़ की ये जो टीम है वो आपके लिए हर अपडेट को लेकर आ रही है। आप बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।